सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नगाड़े की हाइट कितनी है। तो ये देखो भाई, ये रखा हुआ है मेरे बगल। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच है और मैं नगाड़े के यहाँ तक आ रहा हूँ। जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकित साहू अयोध्या से आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से एक बेहतरीन से ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा, जो कि यहाँ 13 मार्च को हमारे अयोध्या में पहुँचा हुआ है। इसका पूरा व्यू देखने वाले हैं आपको, और वो नगाड़ा किस तरीके से दिखता है, क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा है। तो वो इस समय राम सेवकपुरम में रखा हुआ है, और जिसको देखने के लिए हज़ारों लोग की भीड़ इकट्ठा हुई थी। पूरे बाजे वाजे के साथ, बारात के साथ इसको रीवा से लाया गया है। रीवा की दूरी यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पड़ती है, और लगभग 24 घंटे के अंतराल में इसे अयोध्या पहुँचाया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और साथ ही में चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको उस गाड़ी को दिखाते हैं जिस पर रख करके एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा लाया गया। ये देखिए, यहाँ पर देखिए इसकी साइज़ लगभग आपको देखने को मिलेगी 25 से 30 फीट है, और इस पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, मतलब सारी जानकारियाँ इस पर लिखी गई है। ये देखिए, शिव का सबसे बड़ा नगाड़ा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराने के बाद 12 मार्च को महामृत्युंजय की नगरी रीवा से चलकर 13 मार्च 2024 को अयोध्या धाम में राजाधिराज श्री राम लला के चरणों में अर्पित किया गया है। ये देखिए, आयोजक शिव बारात अयोध्या। और ये नगाड़ा भाई जी कितना बड़ा है, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। उससे पहले तो आपको मैं ये गाड़ी दिखा रहा हूँ कि कितने भव्य तरीके से इसको सजाया गया था भाई जी, फूल मालाओं से। इस पर पीछे देखिए साउंड भी रखे गए हैं, JBL के बड़े बड़े साउंड। ये देखिए, बहुत बड़े बड़े साउंड हैं, मतलब पूरे बाजा बारात के साथ इसको अयोध्या में लगभग 24 घंटे के अंतराल में लाया गया। मतलब कल 12 तारीख को वो चला था रीवा से, और आज 13 तारीख है, 13 तारीख को हमारे अयोध्या में राम सेवकपुरम में पहुंच चुका है। ये जगह आपको याद होगा, यहीं पर सबसे पहले शालिग्राम शिला को रखा गया था, पूजन अर्चन किया गया था, और इसी जगह पर इस नगाड़े को भी रखा गया है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट का व्यू देख सकते हो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है शिव बारात अयोध्या जन कल्याण समिति। तो ये कितने अच्छे से सजाया गया है, इस ट्रक को आप देख सकते हो, देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो नगाड़ा कितना अच्छा होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और इस साइड से देखिए गाड़ी किस तरीके से लग रही है भाई जी, उधर से आते हैं क्योंकि सनलाइट इधर पड़ रहा है। तो इस साइड से देखिए इस गाड़ी को कितने अच्छे सुंदर तरीके से सजाया गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए साउंड, कितने ज़्यादा साउंड रखे गए ऊपर, ये चेक करिए आप, देखिए ज़रा, ये आप देख सकते हैं। और बड़े ही भव्य तरीके से इसको सजाया गया था, जैसे अगर बत्ती वाली गाड़ी थी ना, कुछ उस तरीके से इसको सजाया गया है, जो कि देखने में भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए ऊपर हमारे श्री रामचंद्र जी की तस्वीर भी लगाई गई है, और ये शिव भक्त मनीष गुप्ता जी की तरफ से इसको लाया गया है, इनके सब संयोजक सारे लोग हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये ड्राइवर बाबू लेके आए इनसे भी। और देखिए नगाड़े को वहाँ पर रखा गया है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नगाड़े की हाइट कितनी है। तो ये देखो भाई, ये रखा हुआ है मेरे बगल। मेरी हाइट लगभग 5 फुट 3 इंच है, और मैं नगाड़े के यहाँ तक आ रहा हूँ, और ऊपर आप देख सकते हो लगभग इतना 2 फीट और ज़्यादा है, लगभग इसकी 6.5 फीट हाइट है नगाड़े की। और अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ, ये देखो आप, पहले तो इसमें जितना कैप्शन लिखा है उसको पढ़ सकते हो आप, शिव बारात अयोध्या जन कल्याण समिति रीवा मध्य प्रदेश की ओर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में अर्पित 12 मार्च 2024 इनकी अध्यक्षता में जो है इसको समर्पित किया गया है। और हो सकता है ये हमारे राम मंदिर में जाए बजने के लिए, क्योंकि वहाँ बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चन चलता है, पूरा मतलब क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत के रीति रिवाज में पूजा वहाँ पर होता है, श्री राम जी की बारात डेली वहाँ पर निकलती है, तो हो सकता है वहाँ पर भी इसको यूज किया जाए। और देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन के लिए वो भी रखा गया, इंची टेप, ये देख सकते हो मेज़रमेंट करने के लिए 30, 31, 32, इसके बाद 32 फीट लगभग इसका सर्कुलर एरिया आप देख सकते हैं, 32 फीट, और ये देख सकते हो पूरा तगड़े बनाया गया है, और इसको पूरी तरीके से सजाया गया था आप देख सकते हैं। पूरा मतलब यहाँ पर अभी हज़ारों राम भक्त आए थे इसको देखने के लिए सिर्फ, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा है जो कि हमारे अयोध्या में आया हुआ है। तो उस इतने बड़े ओकेजन को कौन मिस करेगा, हम ही थोड़ा लेट हो गए यहाँ पर आने के लिए। तो अभी देखिए 360 डिग्री का प्रदक्षिण आपको कराया, ऊपर से आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप किस तरीके से लग रहा है ये नगाड़ा, आप देख सकते हो।
और जब ये बजेगा भाई कितनी दूर तक आवाज़ जाएगी, भगवान जाने कितनी दूर तक आवाज़ जाएगी। तो दोस्तों हमारे साथ भैया लोग जुड़ चुके हैं जो इस विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा हमारे अयोध्या में लेके आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये कब चला रीवा से और कब अयोध्या में पहुंचा है। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये कब वहाँ से निकला था? ये नगाड़ा कल निकला है। कल निकला की तारीख में निकला है सुबह 9 बजे। पूरा साज बाज बाजा वाजा के साथ निकला। पूरा बाजा के साथ। और रास्ते में जहाँ जहाँ से गुजर रहा होगा इसे इलाहाबाद सभी जगह पूजा अर्चन सभी जगह स्वागत हुआ है और सभी लोगों ने सम्मान किया है इसका। और ये विश्व का पहला नगाड़ा है जो बन के तैयार हुआ है। 1100 किलो का नगाड़ा है जो बन के तैयार। तो ऐसा क्या आप लोग के मन में आया कि अयोध्या में इतना बड़ा नगाड़ा समर्पित किया जाए? इससे पहले हम लोगों ने पिछले साल लास्ट ईयर इसका एक ये जो नगाड़ा का स्वरूप दिया गया है इसके पहले एक कराहा था ये। अच्छा। इस कराहे में हम लोगों ने 5100 किलो का खिचड़ी प्रसाद बनवाया था। अच्छा। और वो खिचड़ी प्रसाद बना और बनने के बाद ऐसा मन में विचार आया कि ये कराहा का अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ हो सकता है। तो भगवान राम की प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से हम लोगों ने इसको नगाड़े के रूप में परिवर्तित किया। और ये देखा, मेजरमेंट किया कि अपने विश्व में कहीं ऐसा इससे बड़ा है कि नहीं है। जब मेजरमेंट में हम लोगों को सही लगा तो हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया, वो आए, माफ किए और उन्होंने सर्टिफिकेट प्रदान किया। अच्छा, तो ये विश्व का पहला नगाड़ा हमारे बन गया। क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग कि ये राम मंदिर में जाए बजने के लिए? ये राम मंदिर में जाएगा निश्चित तौर से, हम लोगों को आश्वासन मिला है जाने के लिए। अच्छा। जैसे ही वहाँ का निर्माण पूर्ण हो जाएगा वैसे ही वहाँ पे स्थापित होगा, और स्थापित जब होगा तो यहाँ की कमेटी द्वारा हम लोगों को बुलाया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा और उस समय हम लोग आएंगे और उसको विधिवत वहाँ पे स्थान दिया जाएगा। मैंने देखा ये 32 फुट है इसका सर्कुलर एरिया, 32 फुट का है। तो और क्या 12x12 का है। हाँ, क्या क्या चीज मिला करके इसको बनाया है? इसमें वैसे बेसिकली लोहे का इस्तेमाल हुआ है और बजने के लिए इसमें जो थीम लगी हुई है वो अच्छी खासी लगी हुई है जिससे इसमें आवाज साउंड बहुत अच्छा आता है। कितने, ये बजता है ना? कितने दूर तक जाएगा इसका साउंड? इसका साउंड हमें लगता है कि 500 मीटर तक जाना चाहिए। 500 मीटर तक। और इसको बजाएंगे कैसे? क्योंकि बजाने के लिए है, बजाने के लिए जो नगाड़ा प्रॉपर तरीके से बैठेंगे, कैसे बैठ के बजाएंगे, क्या इसके लिए प्रॉपर एक बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है। हाँ। प्लेटफॉर्म बना के ही बजाया जाता है इसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें अपन चाहे तो मशीन के रूप में भी इस्तेमाल करके मशीन की चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोग का जो समर्पण है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति वो लोगों तक पहुँचे और लोग इसको देख पाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय श्री राम। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दो एक लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए मिलें किसी और ऐसे ही बेहतरीन ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।